लेकिन सितंबर 2023 में एशिया कप स्टार्ट होगा और 17 सितंबर को जो है एशिया कप एंड होगा। मेरे शो में आपने गुज़िश्ता कोई 3-4 महीने पहले ही कह दिया था कि पाकिस्तान में एशिया कप होता नजर नहीं आ रहा। एशिया कप पाकिस्तान से चला गया बाहर और श्रीलंका को एशिया कप की होस्टिंग जो है दे दी गई है और अब एशिया कप के सारे मैचेस श्रीलंका में आपको देखने को मिलेंगे। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ये चीज गलत की है, पंगा किससे लेने की कोशिश की है, पंगा लेने की कोशिश की है बीसीसीआई से। और भाईजान बीसीसीआई से तो आईसीसी पंगा नहीं लेता, ये एशियन क्रिकेट काउंसिल कौन है? अभी एक और भी तो गारंटी मांग रहे हैं, चैंपियंस ट्रॉफी की गारंटी भी तो मांग रहे हैं अभी। और भाई अगलों ने कहा है हम श्रीलंका में करा रहे हैं, तुमने खेलना है खेलो, नहीं खेलना जाओ। सब कुछ निकल गया लेकिन एक ही बाकी। अब ये सेठी साहब को उस वक्त सोचना चाहिए था कि हम एक ऐसी पॉलिसी पे जा रहे हैं जिसके खिलाफ लड़ने के लिए हमारे पास जो है मसल्स नहीं है। बांग्लादेश और श्रीलंका ने रिजेक्ट कर दिया, अफगानिस्तान कभी आपका साथ देगा नहीं, नेपाल बेचारा क्यों नहीं खेलेगा, वो पहला उसका है। तो आप अकेले बैठ के यहाँ बांसुरियां बजाएं। कभी नजम सेठी बीसीसीआई को कोई धमकी दे रहा है, हमें लिख के दो आप 2025 की चैंपियन ट्रॉफी खेलने आओगे तो हम फिर जाएंगे, अब ये करो अब वो करो अब पैन पेज कराओ अब ये करो, अब बैठ जाओ आराम से। छिन गई एशिया कप की होस्टिंग, नो पाकिस्तान इन एशिया कप, एसीसी को नई टीम ऐड करेगा भाईजान एशिया कप के लिए। पाकिस्तान से शिफ्ट कर दिया गया है श्रीलंका और इसमें वोटिंग बांग्लादेश और अफगानिस्तान है, श्रीलंका के हक में वोट किया। और सर एक जगह मैं ये भी देख रही थी, आपको भी बता दूं क्रिकेट काउंसिल में कि इंडियन गवर्नमेंट की ये बड़ा सख्त इसके ऊपर था, इसके ऊपर फुल बहुत ही जबरदस्त स्टैंड लेना है कि ये जो है ये श्रीलंका में हो या किसी पाकिस्तान में ना हो किसी और जगह पर। देखें जी ये अंडरस्टूड था और ये एक्सपेक्ट किया जा रहा था जब पाकिस्तान ने ये कंट्रोवर्सी क्रिएट की थी और पाकिस्तान ने इस पे जो स्टैंड लिया था। अभी आपने देखा है बिलावल भुट्टो इंडिया गया, क्या सलूक किया गया उसके साथ? मैं कहता हूँ उसके साथ, और भाईजान उधर जो चाय देने वाला था ना, चाय देने वाला वेटर था ना, उसके साथ भी सलाम लिया गया, लेकिन ये बिलावल भुट्टो के साथ सलाम वगैरह नहीं लिया गया। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एक और नई वीडियो में। बहुत ही तकड़ी धमाकेदार ब्रेकिंग न्यूज सामने आ रही है कि पाकिस्तान से एशिया कप एशियन क्रिकेट काउंसिल ने ही छीन लिया है, यानी कि पाकिस्तान की होस्टिंग छीन ली गई है और वो दे दी गई है श्रीलंका को। और ये हुआ कैसे चमत्कार? ये हुआ है इस इश्यू पर वोटिंग से। जब पाकिस्तान ने इस विषय पर इतनी कंट्रोवर्सी कर दी तब एशियन क्रिकेट काउंसिल ने परेशान होके इस विषय के ऊपर वोटिंग करवाई कि एशिया कप होना कहां चाहिए। मेजबानी पाकिस्तान के पास थी और वोटिंग के जरिए यानी कि डेमोक्रेटिक तरीके से फैसला हुआ कि एशिया कप होस्ट करेगा श्रीलंका, यानी कि अब श्रीलंका एशिया क्रिकेट काउंसिल से पैसे कमाएगा और पाकिस्तान देखता रहेगा वो होस्टिंग जो कि उसके पास थी, जो पैसे पाकिस्तान को कमाने थे एशियन क्रिकेट काउंसिल से और एशिया कप होस्ट करके, अब वो सारा रोकड़ा कमाएगा श्रीलंका और पाकिस्तान देखता रहेगा। क्यों? क्योंकि इनकी अकड़ निकलनी है, अभी धीरे धीरे टाइम लगेगा लेकिन निकल जाएगी। लेकिन मुझे लगता है कि प्रोसीजर ये इफेक्टिव है। कितना इफेक्टिव है ये हम? क्योंकि अब श्रीलंका को एशिया कप के सेकंड ऑप्शन के तौर पे बात की जा रही है। और मुझे याद है मेरे शो में आपने गुज़िश्ता कोई 3-4 महीने पहले ही कह दिया था कि पाकिस्तान में एशिया कप होता नजर नहीं आ रहा। कि यार देखें 2018 में इंडिया भी दुबई ले गया था एशिया कप, हम नहीं जा रहे थे। तो हमने उस वक्त कहा था कि भाई बीच का हल निकालें। देखो एक बात तो तय है, रिलेशन छोड़ दें, ये इसमें कोई शक नहीं। बांग्लादेश और श्रीलंका ने रिजेक्ट कर दिया, अफगानिस्तान कभी आपका साथ देगा नहीं, नेपाल बेचारा क्यों नहीं खेलेगा, वो पहला उसका है। तो आप अकेले बैठ के यहाँ बांसुरियां बजाएं। ये वही नजम अजीज सेठी है जो फिक्शन को लाता है, ये वही नजम अजीज सेठी है जो कौम को नवीज सुनाता है। सुपर आप बिग फोर में आ गए हैं, इंडिया अब 7 दफा आएगा, बायलैटरल होगी और उसके बाद केस करके। अच्छा अभी एक और भी तो, अभी एक और भी तो गारंटी मांग रहे हैं, चैंपियंस ट्रॉफी की गारंटी भी तो मांग रहे हैं अभी। और भाई अगलों ने कहा है हम श्रीलंका में करा रहे हैं, तुमने खेलना है खेलो, नहीं खेलना जाओ। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को अब लेने के देने पड़ गए। अब नजम सेठी ना वो जिस तरह सोया हुआ था उस तरह उठा और भागा दुबई में, पाऊ पड़ेगा अब जाके भाईजान बीसीसीआई के, और पाऊ पड़ेगा जाके वो एसीसी के। मुझे लगता है शायद बीसीसीआई की गोदी में ना बैठना पड़ जाए नजम सेठी को, क्योंकि अब पाकिस्तान से एसीसी एशियन क्रिकेट काउंसिल एशिया कप की होस्टिंग वापस लेने लगा है कि हम कोई भी ऑब्वियसली बात है, जब एशियन क्रिकेट काउंसिल बोलेगा कि पाकिस्तान में एशिया कप नहीं होना तो किसी के बाप की भी जरूरत नहीं है, वो नहीं जाएगा। क्योंकि रोकड़ा रोकड़ा पैसा पैसा कौन देता है सबको? पैसा देता है बीसीसीआई, और बीसीसीआई जिस तरह चाहेगा उस तरह होगा। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ये चीज गलत की है, पंगा किससे लेने की कोशिश की है? पंगा लेने की कोशिश की है बीसीसीआई से। और भाईजान बीसीसीआई से तो आईसीसी पंगा नहीं लेता, ये एशियन क्रिकेट काउंसिल कौन है?
भाईजान इनको माननी पड़ेगी बात। अभी आपने देखा है बिलावल भुट्टो इंडिया गया, क्या सलूक किया गया उसके साथ। मैं कहता हूँ उसके साथ भाईजान उधर जो चाय देने वाला था ना, चाय देने वाला वेटर था ना, उसके साथ भी सलाम लिया गया, लेकिन ये बिलावल भुट्टो के साथ सलाम वगैरह नहीं लिया गया। और ये बोल्ड स्टेटमेंट इंडिया की तरफ से आया है कि इसके साथ इस तरह का सलूक ही करना बनता है और ये लोग इस तरह का सलूक डिजर्व करते हैं। भूल जाओ, मैं कहता हूँ पहले तो ये लोग कहते थे ना कि पाकिस्तान इंडिया की मैच हो, इंडिया पाकिस्तान आए। अब जो चीज आपको बता रहा हूँ ना, अब मुझे लगता है ये भी भूल जाओ कि पाकिस्तान इंडिया की मैच आपस में होगा। पाकिस्तान इंडिया की बायलैटरल सीरीज तो भूल जाओ, मुझे लगता है आईसीसी मैच में भी मिलना मुझे मुश्किल लग रहा है अब, क्योंकि जो ये सारी हरकतें पीसीबी ने की है। यार एक बात है, आपको जब बीसीसीआई ने बोला कि हम इजिली एशिया कप खेलेंगे, हमारे एशिया कप अलग वेन्यू पर करवा दो, आप बांग्लादेश श्रीलंका यूएस टीमों को अपने मुल्क में खिलाओ, दैट्स इट। अब खुश हो आपको यार, पहले अच्छी बात यह ना कि आपको होस्टिंग मिल रही है एशिया कप की, इस बार एशिया कप की होस्टिंग करवा लो, आगे चैंपियन ट्रॉफी आ रही है, बड़ा टूर्नामेंट है, उसको होस्ट करो, तब इंडिया को बुलाओ। इन्होंने हार चुकी, कभी नजम सेठी बीसीसीआई को कोई धमकी दे रहा है, हमें लिख के दो आप 2025 की चैंपियन ट्रॉफी खेलने आओगे तो हम फिर जाएंगे, अब ये करो, अब वो करो, आप पैन पेज करो, अब ये करो, अब बैठ जाओ आराम से। छिन गई एशिया कप की होस्टिंग, नो पाकिस्तान इन एशिया कप, एसीसी को नई टीम ऐड करेगा भाईजान एशिया कप के लिए पाकिस्तान की जगह के ऊपर। और ये अब ट्विटर खोलो जरा, बाबर आजम घंटे के फैंस ट्विटर खोलें, जरा खोलें ट्विटर और देखें कौन सी न्यूज ट्रेंडिंग पे है कि अगर एशिया कप कैंसिल होता है तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड एक सीरीज, एक जो है वो ट्रायंगुलर सीरीज करवाएगा, दावत किन टीमों को दे रहा है, जिम्बाब्वे को दावत दे रहा है, वेस्ट इंडीज को दे रहा है और साउथ अफ्रीका को। किसी तरह बाबर आजम की एवरेज भी तो सेट करनी है, बाबर आजम की एवरेज सेट करनी है, बाबर के 100 निकलने चाहिए, क्योंकि 100 नहीं ना निकल गया, अरे अच्छी टीमों के तो करेगा नहीं 100, इंडिया ले आओ, ऑस्ट्रेलिया ले आओ, इंग्लैंड ले आओ, टांगे खोल देगा, नहीं 100 होगा। लेकिन अब इंडिया ने श्रीलंका से ये कह दिया है भाई आपको जो है इसकी होस्टिंग हम दे देंगे, जो एशिया कप है वो श्रीलंका में करवा लेंगे। भाई श्रीलंका तो पहले से ये चाह रहा था, श्रीलंका ने पहले से एशियन क्रिकेट काउंसिल को ये जो है वो ऑफर की हुई थी कि भाई पाकिस्तान अगर नहीं करवा सकता, पाकिस्तान में अगर आपने नहीं करवाना है तो आप जो है वो इसकी वेन्यू जो है इसका जो है वो श्रीलंका को रख लें। अब जो है वो उनको तो लालच थी, बीसीसीआई ने ये बोला कि भाई आपको ही दे देते हैं इसकी होस्टिंग, तो इसको अब श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड ने भी मान लिया है भाई। तो यानी कि एशिया कप श्रीलंका में होगा और एशियन क्रिकेट काउंसिल जो है उन्होंने जो है रिवील करवा दी है एशिया कप के स्टार्ट की और एंड की डेट जो है, और 3 सितंबर 2023 में एशिया कप स्टार्ट होगा और 17 सितंबर को जो है एशिया कप एंड होगा। ये जो वो डेट्स भी आ चुकी है और अब ऑफिशियली इसका जो है ऐलान भी होने जा रहा है एक दो दिन के अंदर। नजम सेठी इस टाइम जो है दुबई में मौजूद है, वहां पर वो जय शाह से भी मुलाकात करेंगे, एशियन क्रिकेट काउंसिल से भी उनकी मुलाकात होगी और आईसीसी के कुछ लोगों से भी इनकी मुलाकात होगी, जहां पर वो ये डिमांड रखेंगे कि भाई जो है वो एशिया कप कहीं पर भी करवा लो, हम जो है वो खेल लेंगे, लेकिन अगर इंडिया जो है ये लिख कर दे कि आईसीसी का जो इवेंट है यानी कि चैंपियन ट्रॉफी जो है वो जो है वो इंडिया पाकिस्तान में आके खेलेगा, तो ऐसा मुझे तो लगता नहीं है कि इंडिया लिख के देगा, तो यानी कि फिर पाकिस्तान एशिया कप का बायकॉट करने जा रहा है। और अभी तक पाकिस्तान का फैसला नहीं आया, लेकिन पाकिस्तान के फैसले का बड़े बेसब्री के साथ पाकिस्तानी क्रिकेट फैन जो है वो इंतजार कर रहे हैं कि यार पाकिस्तान का क्या फैसला होगा, क्योंकि पीसीबी तो पहले कह चुका है भाई हम जो है बायकॉट करेंगे एशिया कप अगर पाकिस्तान में नहीं होगा। अब तो ये फैसला हो चुका है, क्या पीसीबी एशिया कप का बायकॉट करेगा, सबसे बड़ा सवाल ये है। लेकिन यार वही बात है कि चलती तो भाई उसी की है जिसमें दम होता है या जिसके पास पैसा बहुत होता है, ये बात तो मानने वाली है भाई बीसीसीआई स्टैंड सुपर पावर है क्रिकेट का। तो दोस्तों जैसा कि आपने देखा कि इस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड बहुत ज्यादा मुश्किलों में आ चुका है, एशिया कप की होस्टिंग वो खो चुके हैं और उससे अब पैसा कमाएगा श्रीलंका जो कि डिफॉल्ट कर चुका है, लेकिन अभी भी वो सर्वाइवल मोड में है, सर्वाइव कर रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान जो कि इतनी बड़ी मुश्किलों में है, कितनी बड़ी मुश्किलों में है, अभी हाल ही में इनको एक साल के अंदर अंदर करीबन $70 बिलियन देने हैं जो इन्होंने मार्केट से या लोगों से उठाए थे वो वापिस देने हैं। अगर वो ये नहीं दे पाए तो ये डिफॉल्ट कर जाएंगे जो कि साक्षात दिखाई दे रहा है। किसी भी सूरत में ये $70 बिलियन वापस नहीं कर पाएंगे अगले एक साल में, अनलेस और अंटिल अमरीका इन्हें साक्षात आके बचाने ले। लेकिन फिलहाल तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इतनी बड़ी मुश्किल में है क्योंकि इनके पास और कोई साधन ही नहीं है पैसे आने का। अब ये कह रहे हैं कि हम पीएसएल भी दुबई में यूएई में लेके जाएंगे और एशिया कप की होस्टिंग ये खो ही चुके हैं, यानी कि इनके सिर के ऊपर सिर्फ खर्चे ही खर्चे मंडरा रहे हैं और इनकम का कोई इनके पास सोर्स है नहीं, यानी कि पाकिस्तान इस समय डूबने की कगार में है स्पेशली क्रिकेट के मामले में।
और मुझे लगता है कि पाकिस्तान क्रिकेट की मौत बहुत ही ज़्यादा दर्दनाक होने वाली है। दम घुटने के कारण पाकिस्तान क्रिकेट की मौत होगी, जो कि सारी दुनिया देखेगी। इसी विषय पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। साथ में वीडियो पसंद आई तो वीडियो कर देना लाइक और साथ में चैनल कर देना सब्सक्राइब और साथ में नोटिफिकेशन की बेल को भी प्रेस कर देना ताकि अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट।